जय मसीह की दोस्तों, मैं हूँ शैनन मिल्टन और यीशु के गीत पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम गीत सीखने जा रहे हैं, वो है तेरी आराधना करो। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आप भी कोई गीत सीखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इस गीत को सीखते हैं। तो ये सॉन्ग ई माइनर स्केल पर है। तो जल्दी से कॉर्ड्स देख लेते हैं कि इस सॉन्ग में हमें कौन कौन सी कॉर्ड्स यूज़ करनी है। सो टोटल हमारी 5 कॉर्ड्स हैं, लेफ्ट हैंड से मैं आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट कॉर्ड है ई माइनर, ये हो जाएगी हमारी ई, जी एंड बी। देन नेक्स्ट कॉर्ड है हमारी डी मेजर, डी मेजर इधर सिंपल, सो डी, एफ शार्प और ए। देन नेक्स्ट कॉर्ड है हमारी सी मेजर, और भी इजी कॉर्ड, सी, ई और जी। देन नेक्स्ट कॉर्ड है हमारी जी मेजर, सो जी मेजर यहाँ पर, जी, बी और डी, सारी सिंपल कॉर्ड्स। एंड देन नेक्स्ट कॉर्ड है हमारी ए मेजर, ए, सी शार्प और ई। सो अब इस सॉन्ग के राइट हैंड के नोट्स देख लेते हैं, एंड हम स्टार्ट करेंगे इसके कोरस पार्ट से। सो फर्स्ट लाइन है, तेरी आराधना करो, मैं प्ले करके दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर नोट्स थे बी सी डी जी एफ शार्प ई बी सी बी। Then next line, तेरी आराधना करूं। So ये था B, C, B, G, F sharp, E, A, B, A. And then पाप क्षमा कर जीवन दे दे, ये A से start होगा। तो ये होगा ए बी ए जी जी ई एफ शार्प ई जी ई सी सी। देन दया की याचना करो। सो ये होगा एफ शार्प G, E, C, B, C, E, F sharp, then G, A, then B. So ये right hand की melody इस तरीके से sound करेगी। ये हो गए हमारे राइट हैंड के नोट्स कोरस पार्ट के। अब हमें इसमें क्या करना है, कॉर्ड्स को ऐड करना है लेफ्ट हैंड पर। सो इसके अंदर आप या तो सिंपली सिर्फ कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं, जैसे कि ई माइनर, जैसे हम यूजुअली करते हैं, नॉर्मल आप कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं। बट इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अच्छा साउंड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैटर्न ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, ये आपकी कॉर्ड है ई माइनर, आपको बस इसको ब्रेक करना है। सो ये हो गई ब्रेक, ये बन गया पैटर्न। सो ये आपको बस प्ले करना है इस तरीके से। ये कब तक करना है, जब तक नेक्स्ट कॉर्ड नहीं आ जाती। सो जैसे हम दो कॉर्ड ले लेते हैं, ई माइनर से डी मेजर, राइट। सो ये इजी है, तो हम इस तरीके से कॉर्ड्स का पैटर्न रखेंगे पूरे सॉन्ग में।
सो अब कोरस की फर्स्ट लाइन को हम देखते हैं दोनों हाथों के साथ, तेरी आराधना करूं, एंड फर्स्ट कॉर्ड हमारी रहेगी ई माइनर। सो राइट हैंड के नोट्स के साथ, राइट, अच्छा साउंड करा। अब हमें क्या करना है, सेकेंड लाइन तेरी आराधना करूं, हमें ई माइनर को कंटिन्यू रखना है, राइट। अब जैसे ही आप ए पर आने वाले हैं ना, ए यहाँ पर आपको डी का पैटर्न अप्ले करना है, डी मेजर। देन नेक्स्ट लाइन, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, इसके अंदर हमारी पहली कॉर्ड डी मेजर है, सो हम जो डी मेजर पे हमने एंड किया था हमें उसको कंटिन्यूड रखना है। सो नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, अब हमारी चेंज होगी सी मेजर पर, देन बैक टू डी मेजर। जैसे ई पर आप आने वाले, हमें ई माइनर पर वापस आना है लेफ्ट हैंड पर। सो ये काफी सिंपल है, तो मैं आपको ये पूरा एक बार प्ले करके दिखा देती हूँ। वर्स पार्ट, राइट हैंड हम सबसे पहले देखेंगे मेलोडी। सो फर्स्ट लाइन है, तू ही महान सर्वशक्तिमान। सो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देती हूँ। सो ये था ई ई डी ई, देन अगेन ई डी ई जी ई सी। उसके बाद तू ही है मेरे जीवन का संगीत, सो सो स्टार्ट होगा जी जी जी, देन एफ शार्प जी ए बी, देन एफ शार्प जी एफ शार्प देन ई। ये दोनों लाइन रिपीट होती हैं। बाद हृदय के तार छेड़े झनकार, सो ये होगा हमारा बी से स्टार्ट। सो बी बी डी सी शार्प, देन ए सी बी, देन रिपीट होता है। एंड देन तेरी आराधना है मधुर गीत, सो ये होगा सी सी बी, देन सी सी सी, देन बी सी ई डी सी बी बी, राइट। सो इसके बाद क्या है, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम ना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। ये जो सारी मैंने लाइन अभी बताई, जो सारी लिरिक्स है, इसके अंदर आपको सेम प्ले करना है जो हमने कोरस में सीखा था, तेरी आराधना करूं, मतलब ट्यून बिल्कुल वही सेम टू सेम है। सो मैं आपको ना पूरा वर्स राइट हैंड से एक बार प्ले करके दिखा देती हूँ। Thank you.
सो ये हो गए हमारे राइट हैंड के नोट्स एंड हम इसके अंदर अब कॉर्ड्स ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड की. सो फर्स्ट लाइन तू ही महान सर्वशक्तिमान, ये स्टार्ट होगी हमारी ई माइनर से, ई माइनर राइट. सो राइट हैंड के नोट्स हम ऐड करते हैं. जैसे ही आप सी पर आने वाले हैं तब आपको सी मेजर देना है राइट. उसके बाद तू ही है मेरे जीवन का संगीत, सेकेंड लाइन जी मेजर कॉर्ड. अब डी मेजर, देन ई माइनर, देन रिपीट होता है नेक्स्ट लाइन ई माइनर कंटिन्यू रखनी है, देन ए मेजर, देन डी मेजर, देन बैक टू ई माइनर. रिपीट करना है इसको, ई माइनर, ए मेजर, डी मेजर, ई माइनर, देन नेक्स्ट लाइन सी मेजर पे हमको आ जाना है. Back to E minor. उसके बाद पूरा सेम जो हमने कोरस में सीखा था एग्जैक्टली सेम हमको फिर से प्ले करना है. सो मैं आपको पूरा वर्स पार्ट एक बार प्ले करके दिखा देती हूँ. लेसन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करें और शेयर जरूर से करें. एंड अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिए सब्सक्राइब, ताकि आपको और कृष्ण सॉन्ग्स के ट्यूटोरियल्स मिल पाए और भी आप नए नए गीत सीख पाए. और आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा जो कि है www.yeshukegeet.com. वहाँ पर हम सभी क्रिश्चियन सॉन्ग्स के जो भी हम सिखाते हैं सबके कॉर्ड्स, नोट्स, लिरिक्स सब कुछ अपलोड करते हैं, जो कि आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं. और आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, वहाँ पर हम रोज की डेली बाइबल वर्सेस की रील्स डालते हैं जो आपको तो बहुत पसंद आएगी. तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय मसीह की.